इन लोगों की भाषा सुन रहे हो, पहाड़ी भाषा बोलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी। ठंडी हाथ में लग रही है बहुत ही तेज, हाथ देखो कैसे हो चुके हैं पूरे। फाइनली वी आर इन ले। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग। कल शाम को 4:30-5 बजे यहाँ पे आ गए थे और एक्सट्रीमली कोल्ड था, थोड़ा हेडेक था सर दर्द में, लेकिन आने के बाद रेस्ट किया, अभी ठीक लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:05 और चाय पी लिए हमने, सारी तैयारी हो चुकी है, बस सामान बांधना है बाइक पे और फिर निकल जाना है। आज कैसे भी करके ले पहुंचना है, यहाँ से ले है 174 या 175 किलोमीटर है। सो 4 बजे के करीब आई थिंक पहुँच जाएंगे, अगर रास्ता बोल रहे अच्छा है वहाँ से, तो अच्छा रास्ता होगा तो जल्दी भी पहुँच जाएंगे। सो अभी यहाँ से निकलते क्योंकि यहाँ पर एल्टीट्यूड का बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे पांग में रुक रहे हो तो आपको ये माउंटेन सिकनेस वाला प्रॉब्लम रहेगा। सो थोड़ा ध्यान रखना, आपके साथ कपूर या फिर कपूर सूंघना वो भी हो सकता है, फिर डायमक्स है कुछ खा सकते हो, और कैप है आप हाथ सब पहन के रखो ताकि ठंड ना लगे। सो अभी निकलते हैं, जल्दी से पहुँचना है ले की ओर। सो ये हमारी बाइक और कॉल स्टार्ट पर रख दिया चालू करके, थोड़ी देर ऐसे रखेंगे और वहाँ पर दे देंगे अभी बिल, आज का जो नाइट स्टे था कल का, सो उसका बिल देके चाय का जो भी था खाने का निपटा के फिर निकलते हैं। बहुत सारे बाइकर्स हैं, देखो ये है पांग विलेज, पांग है, और यहाँ पे जैसे मैंने बोला थोड़ा भी चलते हैं ना सांस फूल जाती है, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगा। थोड़ा भी चलोगे ना आप, 4 कदम चलोगे तो भी सांस फूलने लगेगी। और अभी मुझे ये लोडेड बाइक ही हटानी भी है। हाँ चलो तो शुरू करते हैं आज का सफ़रनामा। बाइकें पड़ी हैं बीच में, कहाँ से निकालेंगे एक बार देख लेते, कुछ रह नहीं जाता ना। ये था हमारा टेंट जिस पे हम रुके थे। सो अभी टाइम हो रहा है 6:41 और हम लोग निकले हैं पांग से लेक की तरह। यहाँ पे वेदर एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो रोड अगर अच्छे मिल जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पे, करेंगे एक दिन रेस्ट। कल हालत हो चुकी थी ख़राब बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ते इतने ख़तरनाक वाले थे, पूरा ऑफ रोडिंग था। रोड तो थोड़ा बहुत मिला था, हम लोग जिस पास से आके निकले थे तभी थोड़े बहुत, उसके बाद तो ऑफ रोडिंग ने हालत ही ख़राब कर दी, पूरा पिछौड़ा फ्लैट हो गया था चला चला के, और खड्डे में जाके गाड़ी। सामने से है ना सन का लाइट है ना, कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना ख़तरनाक वाला लाइट आ। ये देखो हम लोग रुके थे वहाँ नीचे, अभी आ चुके हैं ऊपर। जैसे जैसे पास पे नज़दीक जाएंगे ना वो चढ़ाव आता जाएगा एकदम से, मतलब ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ के रास्ते पूरे ऐसे ही है, कभी ऊपर कभी डाउन कभी अप कभी डाउन, सीधे फ्लैट रोड तो आपको मिलेंगे ही नहीं। बाइक भी हो चुकी है पूरी ठंडी, हाथ में भी ठंडी लग रही है। अभी सन की लाइट है तो थोड़ा बहुत कम हुआ है ठंडी, अदरवाइज तो रात में इतनी ठंडी थी ना, इतनी ठंडी। सीट थी बाइक की उस पर छोटे छोटे से वो बर्फ़ है ना वो जम गए थे, इतनी ठंडी थी, वो माइनस में था आई थिंक डिग्री वहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लग रहा है लद्दाख की तरह, क्योंकि ये एरिया है ना पूरा फ्लैट है। लद्दाख में आपको ऐसे एरिया ज़्यादा मिलेंगे फ्लैट वाले, वो दूर दूर तक फिर पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। तो हमने वहाँ पे खाली चाय पी थी, नाश्ता नहीं किया था, और मैंने रात में खाना भी नहीं खाया था। ऐसे एल्टीट्यूड में ना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सर दर्द या फिर पकड़ लेता आपका तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने खाया नहीं बिल्कुल, और सुबह नाश्ता भी नहीं किया, खाली चाय पी, गर्म पानी पिया, उठ के गर्म पानी पिया थोड़ा अच्छा लगा, उसके बाद चाय पी और थोड़ा कपूर है ना वो मैंने सूंघा, क्योंकि बोलते उसकी वजह से आपको अगर सर में दर्द है ना वो ठीक हो जाता है। तो दीदी ने बोला आप रात में क्यों नहीं बोले, रात में बोलते रात में दे देते। हम दोनों को प्रॉब्लम है, मुझे ही नहीं है, बट यहाँ पे क्या रहता है
यहाँ ठंडी है ना एक्सट्रीम रहती है। और हम लोग थे 15,000 फीट नो, 15,000 फीट एल्टीट्यूड, मतलब आप एकदम से आप एडजस्ट नहीं हो सकते, आपकी बॉडी है ना एक्मराटाइज नहीं है उसमें, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है 2-3 दिन। और अभी एकदम ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्द से जल्द लेह पहुँच जाएंगे, वहाँ पे होटल करके एक दिन आराम करेंगे, क्योंकि 2 दिन से नहाए नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं। और यहाँ पे नहाने का बोल रहे हैं, वो लोग भी मना कर रहे हैं यहाँ पे मत नहाओ, आप अगर नहाओगे इतनी ठंडी में तो फिर हो गया आपका काम। तो मैं लग रही है बहुत ही तेज़ हाथ, देखो कैसे हो चुके हैं पूरे, इतनी तेज़ ठंडी है। सो मैं है ना अभी एक ग्लोव ये वाला पहन लेता हूँ, उसके ऊपर पहन लूँगा वो वाले, बहुत ज़्यादा ठंडी है। पहले ये पहन लेता हूँ, उसके ऊपर राइडिंग ग्लोव पहन लूँगा। कुछ भी काम करते हैं ना यहाँ पे थोड़ा बहुत भी सांस फूलने लगती है, कुछ भी करो, इन पानी की बोतल निकालोगे ना तो भी सांस फूलेगी। चलो चलते हैं, ऊपर रुकना है ना वो बड़ी मुश्किल है भाई। लोग क्या करते हैं, कई लोग 2 दिन में लेह पहुँच जाते हैं, हम लोगों का भी वही था, लेकिन सूट और रास्ता ख़राब की वजह से नहीं पहुंच पाए। फिर हम लोगों ने पांग ही रुक दिया, वहीं पर रुक गए क्योंकि आगे जाना फिर सेफ नहीं लग रहा था। कोई नहीं, आज पहुंच जाएंगे, वैसे भी 3 दिन का टारगेट था। हम लोग को पहले ऐसा था सरचू में रुक जाएंगे, लेकिन सरचू में रुकना भी कुछ मतलब नहीं बनना था, जितना खींच सकते हैं ऐसा उपसे तक जाना था, लेकिन हालत ख़राब हो चुकी। 5 बजे 4:30 या 5 बजे हम लोग पांग पहुँचे और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी, रास्ते ने बैंड बजा दी थी। और फिर सोचा यहीं पर रुक जाते हैं, आराम करते हैं और फिर निकल जाएंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग। ओ भाई इतनी ठंड है ना, मैंने अंदर 2-2 ग्लव्स पहले हैं, एक वो विंटर वाले और ऊपर ये राइडिंग वाले, हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं, एक्सट्रीम ठंडी है, पूरा सुन्न हो चुके हैं, पता नहीं लग रहा है फिंगर है या नहीं है। ये देखो मुझे ये गोप्रो चालू या बंद करने में भी बहुत ही दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ऐसे में क्या ही शूट करूँ, बट रोड देखो एक नंबर है, एक नंबर रोड, आप आराम से 80-90 चला सकते हो ऐसे वाले रोड पे। तो सामने दिख रहे हो पूरा सेफर्ड है, उनने खुद ने टेंट लगा के यहाँ पे रुके हुए हैं अपने बैड बकरियों के साथ। याक भी है यहाँ पे, देखो ये याक, तो ये पूरा सेफर्ड लोग हैं, इस साइड भी है इस साइड भी है, दोनों जगह पे अपने टेंट लगा के यहाँ पे रुके हुए हैं। और अभी तांगलांगला है 33 किलोमीटर्स, सो रोड अच्छा है, जल्दी पहुँच जाएंगे, बट ठंडी ने वाट लगा था कि ये। सो ये है डेबरिंग, यहाँ का एल्टीट्यूड 15,500 फीट, यहाँ पे होम स्टे, रेस्टोरेंट पे खाने के लिए भी मिलेगा। तो अभी पहुँचे हम लोग डेबरिंग में, यहाँ से उपसी 85 और 136 किलोमीटर है ले। और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहे फ्लैग पूरे। सो फाइनली आई थिंक वी आर एट तांगलांगला टॉप, और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है 17,582। ओह सूर्य चक्र वहाँ पे लिखा हुआ है, RCC वेलकम्स यू तांगलांगला टॉप। इतनी ठंडी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ पांग 65, हम लोग आए पांग से 65 किलोमीटर ये टॉप है। और यहाँ पे है तांगलांगला एल्टीट्यूड 17,582 फीट, यू आर पासिंग थ्रू सेकंड हाईएस्ट पास ऑफ द अनबिलीवेबल इन इज नॉट वन IT9 कुछ लिखा हुआ है सर, ड्रीम कम ट्रू, इसके लिए हम लोग लिंक लिखते थे। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये वाला पास, अभी फोटो लेंगे।
फिर निकलते हैं। अब ये देखो ऊपर बर्फ है और पिघल के पानी नीचे आ रहा है और ऐसे ऐसे वाटर क्रॉसिंग बन रही है, बहुत स्केटी है। ये देखो पूरा ये बर्फ का पेज बना हुआ है, जैसे जैसे पिघलेगी पूरा पानी रोड पे आएगा और बन जाएगी वाटर क्रॉसिंग। बर्फ पूरी पिघल के नीचे आ रही है, जितना हो सके जल्दी आप निकलोगे ना तो कम आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेगा। ये देख रहे हो पूरा बर्फ का पेज बना हुआ है, ये पिघल के नीचे आ रहा पानी। ओ भाई सांस फूल जाती है हैंडल करते खुद बाइक को। सो अभी हम लोग पहुंचे रूम से, सो यहाँ पे रेस्टोरेंट और आपको होम स्टे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ब्रेक, चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या मिलता है। दीदी क्या मिलेगा ना खाने में? परोठा है, कौन सा? आलू का है। एक आलू का पराठा कर दो, दो चाय कर दो। वो जो पहाड़ दूर से दिख रहा था ना ब्राउन कलर का, देखो चॉकलेट कलर का, वो पास से देखो कैसे दिख रहा है। यहाँ का एल्टीट्यूड है 13,000 समथिंग एल्टीट्यूड है यहाँ का। ये विलेज का नाम है लाटो। अभी यहाँ से उपसी शायद 20 या 22 किलोमीटर होगा। ये देखो पहाड़ कितना पास में, अलग अलग लेयर्स ऐसे बने हुए हैं। अभी यहाँ पे ठंडी बिल्कुल नहीं है इतना, जैसे ऊपर था ना टांगलांगला वहाँ पे तो एक्सट्रीम ठंडी था। ज़्यादा देर तक हमने रुके भी नहीं, एक फ़ोटो लिया और निकल गए। लेकिन जैसे जैसे नीचे है फिर ठंडी कम होती जा रही है और लेह में बिल्कुल नहीं होगी। अभी यहाँ भी नहीं है लेकिन वहाँ पे तो हाथ पूरे सुन्न हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था हाथ है या नहीं है। कपड़े का जो लेयर लगाया हुआ है, एक थर्मल है, इसके ऊपर एक टी शर्ट, इसके ऊपर हुडी, उसके ऊपर जैकेट, इतना पहनने के बाद भी ऐसा लग रहा था ठंडी लग रही है। सोचो कितनी ठंडी होगी। कल का दिन बहुत ही एक्टिक था, 12 घंटे सोए उसके बाद थोड़ा ऐसा लगा कि अभी ठीक है। आज तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। रास्ता देखो कितना खूबसूरत सा बनाया हुआ है, क्या ही खूबसूरत लैंडस्केप है, क्या ही खूबसूरत। कैमरे में कितना दिखता होगा पता नहीं, लेकिन अपनी आंखों से देखने का अलग ही एक अलग ही मज़ा है। सो जो लोग वीडियो के थ्रू देख रहे हैं उनको एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन बाइक से अगर हो सके तो आओ, लेकिन वो बहुत ही चैलेंजिंग है, उसके लिए आपको स्टेमिना होना चाहिए। दुनिया भर से लोग आते हैं, इंडिया तो अलग ही बात है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती सबको खींच के लाती है। कितना अच्छे से रोड बनाए हुआ बीआरओ ने, जहाँ भी नजर जाते पूरे पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, गजब है गजब। ये हम लोग अभी लेह में एंटर हो चुके हैं, इन द सेंस लेह का जो टेरिटरी है वहाँ पे, लेह अभी दूर है और आगे विलेज आएगा उपसी। तो यहाँ से अभी पेड़ दिखने चालू हो जाए, देखो रोड पे कैसे पेड़ लग रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद पेड़ दिखने को मिले हैं और देख के कितना अच्छा लग रहा है। देखो वो ऊपर ऊपर ऊँचे ऊँचे पहाड़ और ये पेड़ भी इतने ऊँचे, और रास्ते तो एकदम एक नंबर है अभी तक। वो नीचे देखो रिवर दिख रही है, पूरा ग्रीन पानी है, यहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो देखो वो सामने ग्रीन कलर का पानी, और बादल ऊपर पहाड़ों के ऊपर बादल दिखने लगा चालू हो गया अभी। ये चीज़ें आपको लद्दाख में ही दिखेगी। आगे हम लोग निकले थे वहाँ से,
बादल बहुत ही कम मतलब दिखे नहीं थे, यहाँ आकर देखना चालू हो गया है। सो यहाँ पर चेक पोस्ट था, एंट्री करवाने पड़ते हैं, नाम और नंबर लिखते हैं और 20 रुपीज़ चार्जेस है कुछ। और ये खूबसूरत सा ब्रिज देखो, यहाँ पे रिवर है, ये साइड रिवर, बीच में से ब्रिज, और हम आ चुके हैं उपसी, 1 किलोमीटर है अभी। ओके, सो ले 49 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ पे रुकेंगे क्या, ये चेक पोस्ट है। सो हमने लास्ट पेट्रोल डलवाया था वहाँ पे तांडी में, उसके बाद फुल टैंकी करवाया था, उसके बाद डाला नहीं है मैंने, 2 जेरिकन कैरी किया हुआ है लेकिन अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। सो ले भी पहुँच जाएंगे क्योंकि अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब ब्लिंकेट होना चालू होगा तब रिजर्व में आएगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है तो अभी ज़रूरत नहीं है, शायद ले पहुँच जाएंगे। सो अच्छा परफॉर्म कर रही है बाइक, अभी तक कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। हम लोग निकले थे मनाली से और यहाँ तक का, बस सोफा सो गुड। आने वाले मेरे सामने जो गाड़ी जा रही है वो लोग जूनागढ़ टू हिमालय, लोग जूनागढ़ से जैसे 14 लोग कहाँ कहाँ से आते हैं गाड़ी लेके, देखो लिखा हो जूनागढ़ टू लद्दाख एक्सपीडिशन 2020। तो ये है कारू का मिलिट्री स्टेशन मेरे लेफ्ट साइड पे, पूरा एरिया मैं घुमाऊंगा नहीं कैमेरा। सो कारू का मिलिट्री स्टेशन पूरा कैंप है, यहाँ लाइट पे ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ देखो। तो अभी जो साथ साथ में चल रही है रिवर, उसका नाम है इंडस, और यहाँ का देखो लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया है। तो दूर दूर तो पहाड़ ही है लेकिन फ्लैट एरिया भी है बहुत सारा, और पेड़ भी दिख रहे हैं नदी के पास में। जैसे जैसे ले नज़दीक आ रहे हैं रोड देखो कैसे बन रहे हैं, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और बीच में से अच्छा वाला रास्ता, बहुत सारे बाइकर्स देखो। यही खूबसूरती लद्दाख की, यहाँ लोग दुनिया भर से आते, देखो कितने सारे बाइकर्स एक साथ में ग्रुप राइड करते हुए, लेकिन हम हैं सोलो में। मकान का डिज़ाइन उनका, घर किस तरह से बने हुए, सारे घर ऐसे ही बनेंगे, जगह जगह पे ऐसे स्तूपा टाइप। ग्रीनरी भी बहुत है यहाँ पे देखो। 2 दिनों बाद तीसरे दिन हम पहुँचे हैं लेह में। अभी यहाँ पे हमें होटल ढूंढना पड़ेगा, हमने बुकिंग नहीं की हुई, तो पहले ढूंढते होटल फिर जाकर बात करते हैं। सो टायर्ड हो गए पूरा। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लेह में। हम लोग पहुंचे थे 11:30 या 12 के करीब, और अभी टाइम हो रहा है 1:17। सो हमने फ्रेश यहाँ आके, फ्रेश 2 दिन से नहाए नहीं थे, सो थोड़ा फ्रेश हुए और अभी जाएंगे खाने के लिए। आज का जो डेस्टिनेशन था वो था 164 किलोमीटर। रोड काफ़ी अच्छे थे लेकिन जैसे तांगलांगना के पास ऊपर, पास के ऊपर चढ़े ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी थी। सो जैसे जैसे नीचे आए फिर वो थोड़ा वेदर प्लेजेंट था। सो अभी तक आज रुकेंगे, प्लान ये लेह में। यहाँ से एक दूसरा इश्यू है कि आप हिमाचल की गाड़ी आप लद्दाख में रेंटल बाइक का लेकर नहीं जा सकते हो। सो यहाँ पे हमको लेनी पड़ेगी 2 बाइक और लद्दाख के लिए यहाँ से। सो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है भैया ने वहाँ से हिमाचल से, तो हम लोग करेंगे कॉल, पहले खाना खाने जाते हैं फिर रेंटल कर लेते हैं, उसके बाद परमिट का रहेगा, यहाँ पे परमिट का इशू रहता है। सो ऑनलाइन परमिट मिल जाएगी, अभी वो DC में जाके स्टैंप मारने की ज़रूरत नहीं रहती है, बट आपको परमिट निकाल के रखनी पड़ेगी। जो जो जगह जहाँ आप विजिट कर रहे हो उस सारी जगह की परमिट लेना कंपलसरी, अदरवाइज आपको फिर चेक पोस्ट पर दिखानी पड़ेगी, अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आगे जाने नहीं देंगे। तो आज तक यही है, बस आज का ब्लॉग करते यहीं पे एंड। काफ़ी थक चुके हम लोग खाने के बाद, बाइक देखने के बाद सो जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस 3 दिन से बाइक ही चला रहे हैं।
सो अभी थोड़ा हो चुके हैं टायर्ड, सो यहीं पे करते ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। Dime, me envió que cuál peli más me gusta. Ey, me respondió.